शशि अबरोल जी की पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उन्हें पता चला कि करवा चौथ के दिन जिस पति के लिए उन्होंने व्रत रखा है, हाथों में मेहंदी लगाई है, वो वादी कश्मीर के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के गगनगीर में काम करने के लिए गए थे। लेकिन करवा चौथ के दिन एक ऐसी खबर मिली कि पूरे घर पर जो है वो मातम छा गया। ये तस्वीरों में आप उनकी पत्नी देख रहे हैं, उनकी छोटी बेटी देख रहे हैं, एक बेटा जो है वो इंजीनियरिंग के लिए जम्मू से बाहर गया हुआ है, अभी उस बेटे को जो है वो कुछ भी नहीं बताया। पीछे इनका एक पिता है, लेकिन आज इस परिवार पर देखिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परिवार में जो है वो मातम छाया हुआ है। वहीं एडीसी जम्मू जो है वो मौके पर पहुंचे, तमाम परिजनों से उन्होंने बात की। लेकिन अगर पत्नी की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एकमात्र कमाने वाले शशि अबरोल जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी के साथ लिंक्ड होकर कश्मीर में गए थे, जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था टनल का। उसी टनल की आपको बता दें कि कैंप साइट को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, निशाना बनाने के साथ सात लोगों की जो है वो वहाँ पर मौत हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए आज उनके घरों पर जो है वो दुखों का मातम यहाँ पर पहाड़ टूट पड़ा है, और जितने भी परिवार के लोग हैं वो साफ तौर पर ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को जो है वो इनके लिए सोचना चाहिए, और सोचने के साथ साथ जो है अब परिवार की मदद करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आप उनकी पत्नी को देख सकते हैं कि उनकी पत्नी का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है। सामने तस्वीरों के उनके तस्वीरों में उनके पिता हैं, जिन्हें लोग जो हैं वो यहाँ पर सहानुभूति दे रहे हैं, उनके कुछ परिजन जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। लेकिन इस तस्वीर में देखिए उनकी पत्नी जो है उनकी हालत, और उनकी ये छोटी बेटी जो है उनके साथ है। अभी उनके एक बेटे हैं वो जम्मू से पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, लेकिन परिवार का ये कहना है कि शाम को 6 बजे तो उनसे बात हुई थी, लेकिन 6 बजे के बाद हमारी बात जो है उनसे नहीं हुई, उनका फ़ोन जो है वो लगातार बंद नज़र आ रहा था। लेकिन फिर सुबह उन्हें ये खबर मिलती है कि वो रात को घायल थे, लेकिन सुबह होते होते जो है वो उनकी जान चली गई है। फिलहाल एडीसी जम्मू भी वहाँ पर पहुँचे थे, उसके साथ उन्होंने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की, और लोगों से बात करने के साथ साथ वो उनके पिता के साथ आपको नज़र आए, और जिस तरह से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आज सब लोग जो हैं वो उनके घर पर जा रहे हैं, और जाने के साथ साथ तमाम लोगों का ये कहना है कि घर पर कमाने वाले सिर्फ वही थे। गंदरबल से भी टेकअप कर लेंगे डीसी साहब को, डीसी जम्मू, ठीक है, और जो भी फॉर्मेलिटीज होगी, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होगी वो फर्स्ट चेक करके जितना जल्दी हो सके उनकी बॉडी का स्टेटस और जो भी FIR की कॉपी वगैरह जो भी इनको चाहिए वो अवेलेबल करवाएंगे। उसका भी मैं कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज फॉर्मेलिटीज वहाँ पे किस पेज पे चल रही है, क्या हो रहा है एक्सेक्ट, वो भी मुझे नहीं पता। वो टेकअप कर लिया जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की तरफ से, ठीक है, जो भी प्रोसेस रहता है कंपेशन अपॉइंटमेंट का या जो भी उसके अलावा कुछ रहता है, दैट विल बी एंश्योर। थैंक यू।